कबाली गांव की बच्चियों के द्वारा कुछ बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम दीपक के द्वारा और दीपक अपना सिक्स पैक दिखाते हुए क्या गोल किया है, किस मौके पे गोल किया है दीपक ने। अभी तक कोई गोल देखने को मिला नहीं था पिछले तीन मैचेस में, लेकिन फाइनल के मैच में इनके द्वारा गोल आया है। वो क्या है कि बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्म करता है, दीपक ने इस मुकाबले में जान डाल। के फाइन इस फुटबॉल स्टेडियम में आपने तीन हजार ब्रदर्स हो गया खाली। अब हमारे आज के इस महान मुकाबले के हमारे महान खास मेहमान और खिचड़ी विधानसभा के माननीय विधायक महोदय श्री राजेश कच्छप जी हमारे आज के इस मैच के माननीय मुख्य अतिथि महोदय हैं। निवेदन होगा आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सचिव महोदय, साथ ही साथ हमारे सभी संरक्षक महोदय, आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी मैदान के अंदर हमारे आज के महान और खास मेहमान को लेकर आएंगे सम्मान पूर्वक। सोहराय छतरा फुटबॉल टूर्नामेंट के शुभ अवसर पर आज ये आखिरी मैच है। आप देख सकते हैं ब्लैक और येलो कलर की कॉम्बिनेशन पे ये टीम है तीन घरवा एफसी। इन्होंने लगातार पिछले तीन मैचेस को जीते हैं और ये ग्रुप बी से फाइनल में पहुंचे हैं और इसको कड़ी टक्कर मिलने वाली है आज, जो कि ब्लैक ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में ये टीम है लिंडा ब्रदर्स डोरिया टोली। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन होगा कि आप भी मैदान के अंदर प्रवेश करेंगे साथ में हमारे माननीय सचिव महोदय है, मुखिया मैम भी है और साथ ही साथ हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के द्वारा दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं संदेश मैच के पहले दोनों ही टीमों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार कि आप एक शानदार मैच खेलेंगे और यहाँ पे उपस्थित हजारों की संख्या में दर्शकों को आप अपनी मेहनत, अपनी कला, अपने स्किल से दिल जीतने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दोनों ही टीमों को नाइन बुलेट क्लब कबाली की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप दोनों ही टीमों ने इतिहास रचा है इस टूर्नामेंट में, 16 टीमों को जगह मिली थी लेकिन 16 में से आप दोनों टीमों ने अपनी शानदार मेहनत खेल से यहां तक पहुंचे हैं। बस आपकी गेम कवाली रांची कदम है, आपकी मैच है, चैंपियन बनने का मौका है और दोनों ही टीमों के पास बराबरी का मौका। नेशनल एंथम के लिए पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन जन मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। धन्यवाद, अपना अपना स्थान ले लीजिए। हमारे यहाँ पर दोनों टीमें अपनी रणनीति तैयार कर रही है, अपने आप पे विश्वास भर रही है। कहते हैं ऊपर वाले में आस्था है तो हर संकट में रास्ता है, किसको ये रास्ता मिलेगा। दर्शक जो कुर्सी में बैठे हैं अपनी कुर्सियों की पेट न बांध लें क्योंकि आप धमाल होने वाले हैं।
और मैच के पहले अब हमारे इस सम्मानित मंच पर आज के हमारे इस मैच के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करने का समय आ चुका है। और इसी कड़ी में आइए हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। राजेश कच्छप जी के लिए खिचड़ी विधानसभा के माननीय विधायक महोदय और साथ ही साथ ये अंग वस्त्र प्रदान करते हुए श्री गंगा लकड़ा जी और अब पुष्प गुच्छ प्रदान कर रहे हैं संरक्षक महोदय श्री धर्मेंद्र बख्शी जी और साथ ही साथ ये स्मृति चिन्ह 9 बुलेट क्लब कवाली की ओर से ये हमेशा जहन में रहने वाली है। आज के इस दिन को आपने खास बनाया है अपनी उपस्थिति से अपना कीमती समय 9 बुलेट क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साझा किया है। बहुत बहुत आभार हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। और मैं खेल चुके जरूर हो चुके हैं सारे वॉलंटियर से मेरा रिक्वेस्ट होगा प्लीज आप चारों तरफ मोर्चा संभाल लें। कोई भी बैठे नहीं रहेंगे या मैच का मजा नहीं लेंगे। आप लोग आज यहाँ पर विधि व्यवस्था को देखें। इसी बीच स्टोपर लिंडा ब्रदर्स कच्चा मैच की शुरुआती शॉट में प्रवीण गेंद के साथ कंट्रोल किए हुए स्कूटी क्या कमाल की खिलाड़ी है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका प्रवीण के द्वारा अगर बात करें तो हमारे बीच है सुबेदार श्री रोबिन सिंह जी। निवेदन होगा सचिव महोदय से आप अंग वस्त्र प्रदान करेंगे 9 बुलेट कवाली की ओर से और हमारे परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। ब्लैक टाइगर रांची का टीम है। हमारे बीच उपस्थित है इस सम्मान मंच पे श्री माधु कच्छप जी। निवेदन होगा संरक्षक महोदय श्री धर्मेंद्र बख्शी जी से कि आप अंग वस्त्र प्रदान करें और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह प्रदान करें और विधिवत तरीके से इनका स्वागत अभिनंदन करें। कौन सा प्लेयर लेकर के जाएंगे होंडा एक्टिवा स्कूटी। हमारे बीच उपस्थित है श्री सुनील कुजूर जी जो पेशे से वकील है। निवेदन होगा सचिव महोदय श्री गंगा लकड़ा जी से कि आप अंग वस्त्र प्रदान कर और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह प्रदान कर सर का अभिनंदन सर का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है 9 बुलेट क्लब परिवार की ओर से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप सभी ने जिस प्रकार से अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है हमारे लिए बहुत ही कीमती है। उम्मीद करते हैं कि ये प्यार आशीर्वाद आपका सदा यूं ही बना रहेगा और आप सभी के सहयोग से इस टूर्नामेंट को और भी बेहतर भव्य बनाने का पूरा प्रयास करेगी 9 बुलेट क्लब कवाली। लिंडा ब्रदर्स डोरिया टोली की टीम को और मैदान के पूर्वी क्षेत्र में यह है 3 गरबा एफसी। आपको बता दूं कि 3 गरबा एफसी एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक अपने प्लेइंग 11 में कोई विदेशी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया है। बाकी सभी टीमों ने लगभग हाँ 9 बुलेट कवाली ने भी अपने प्लेइंग 11 में विदेशी खिलाड़ी को मौका नहीं दिया था लेकिन 3 गरबा एफसी जिन्होंने विदेशी खिलाड़ियों के सपोर्ट के बिना फाइनल तक का सफर तय किया है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कमाल की बात है। जोसेफ लिंडा ब्रदर्स की अगर बात करें तो लगभग ज्यादातर खिलाड़ी वेस्ट बंगाल कोलकाता से हैं और वहीं हमारे इंडियन टीम के खिलाड़ी भी 3 गरबा एफसी में शामिल है जो कि टीम के कप्तान है सुबोध है। दीपक की बात करें या फिर हर एक खिलाड़ी जो कि एक सिपाही के रूप में पूरे टीम के लिए आज बहुत उम्मीद के साथ मैदान के अंदर है। खेल खेल इस बीच यहाँ पे दाहिने क्षेत्र से लेकिन तो लिंडा ब्रदर्स डोरिया टोली की ओर से अभी तक 2 गोल इन्होंने मारे हैं। पहला गोल आया था कुटियातु के खिलाफ दूसरा आया था चित्रकोटा के खिलाफ इस पहले 3 मैचेस में और दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में
बिना किसी गोल के और टाई ब्रेकर में जीत कर यहां तक फाइनल तक पहुंचने वाली टीमें हैं। इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैचेस में कई गोल देखने को मिले, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला, आधे दर्जन से भी मैच को जीतते हुए टीमों को देखा जाने को मिला। लेकिन जब ये टूर्नामेंट आगे की ओर बढ़ता गया, बड़ी टीमें और मजबूत टीमें का आमना सामना हुआ, तब गोल स्कोरिंग भी कम होता गया। फिलहाल ये देखना होगा कि आज के इस फाइनल मैच में कितने गोल आते हैं। फिलहाल अभी तक इस मैच के लिए कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है कि मैदानी गोल करने वाले खिलाड़ी के लिए इतना पैसा मिलेगा, कोई अभी तक घोषणा नहीं की है। फिलहाल लड़की ने कहे कि 8,000 रुपए का था इनाम। चलिए, बातें हो रही थी कि इनाम की घोषणा होगी और इसी बीच इसी कड़ी में श्री संतोष मिंज जी, जो पेशे से है, जो मारेंगे इस मैच में मैदानी गोल। और साथ में इसी कड़ी में सिद्रौल पंचायत की मुखिया मैम श्रीमती लक्ष्मी कुमारी जी की ओर से दो हजार रुपए का नगद इनाम रखा गया है मैदानी गोल करने वाले खिलाड़ी के लिए। अब तक 3,000 रुपए आ चुका है। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ और भी पैसे आने वाले हैं, क्योंकि कव्वाली में पैसों की कोई कमी नहीं है। इस मैच के मध्यांतर के समय हमारे कव्वाली गांव के बच्चियों के द्वारा कुछ बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम दीपक के द्वारा, और दीपक अपना सिक्स पैक दिखाते हुए क्या गोल किया है, किस मौके पे गोल किया है दीपक ने। अभी तक पहला गोल देखने को मिला नहीं था पिछले 3 मैचेस में, लेकिन फाइनल के मैच में इनके द्वारा गोल आया है। वो क्या है कि बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्म करता है। दीपक ने इस मुकाबले में जान डाल। दिया है लिंडा ब्रदर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिनेश जी आप? दीपक के इस शानदार जबरदस्त गोल का कोई जवाब नहीं था रोशन के पास, और इस सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं उनको एक मौसम कार्ड भी देखना पड़ा, लेकिन ये चलता है। बिल्कुल, दीपक कच्चप का यह पहला गोल टीनगढ़ एफसी की ओर से। एक येलो कार्ड यहाँ पे अमृत डांग दिखा चुके हैं। अभी तो बहुत टाइम बचा है, यहाँ पे हजारों की संख्या में दर्शक है, लेकिन आपका सेलिब्रेशन करने का अंदाज बिल्कुल सौरभ गांगुली जैसा है, कुछ भी हो सकता है। सेलिब्रेट कीजिएगा, लेकिन मैच को जीतिए पहले। लिंडा ब्रदर्स इतनी आसानी से हथियार नहीं डालने वाली है, मुझे लगता है कि कड़ी टक्कर कड़ी फाइट मिलने वाली है। फिलहाल 3,000 रुपए का नगद इनाम जाता हुआ दीपक के लिए। जी हाँ, दो खिलाड़ी हैं रांची के, इसमें सुबोध और दीपक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत। फुटबॉल में एक नई ऊंचाइयों को छुआ है दोनों ने।
स्कूटी तो सीरीज मिलेगा भाई, मैन ऑफ द मैच नहीं चढ़ने के लिए ऑप्शन बन गया। सुमित तैयार होना, कमेंटेटर का नाम नहीं बताया। और इसी कड़ी में अब हमारे मुख्य मंच पर ध्यान हमारे आज के इस मैच के उद्घाटन करता माननीय विधायक महोदय अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। नाइन बुलेट क्लब कबाली पुनः आपका दिल से आभार व्यक्त करती है आपके समय के लिए। वर्तमान में काफी व्यस्त हैं और फिलहाल यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग प्यार मिला है। कच्चप ने पहला गोल मारा टीम राजेश कच्चप से। इससे पहले कि गोल करिए तब जाके आपको इनाम मिलेगा, लेकिन ये मैच में गोल देकर दीपक के शानदार गोल के लिए इन्हें 1100 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा कर चुके हैं। बहुत तेजी के साथ यहाँ पे बीमल माफ कीजिएगा बाबूलाल हैं उस क्षेत्र में, लिंडा ब्रदर्स के खिलाड़ी चुकी व्हाइट ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में अभी तक लिंडा ब्रदर्स ने कई बड़ी टीमों को मात दिया है, जो कि प्रबल दावेदार थे इस टूर्नामेंट को जीतने के। कुटियातू की बात करें या फिर चित्रकोटा की बात करें, स्पैनिश की कला जो कि आज कप्तान भी है मिडफील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उस क्षेत्र में शंभु मौजूद है, शंभु वहां पे तलाश रहे थे, किसी भी प्रकार का मौका तलाश कर रहे थे। इस बीच तीन गरबा एफसी की रफ्तार से दर्शक भी बचते हुए नजर आए। फिलहाल लाइन के समीप जो भी दर्शक हैं, आपसे निवेदन है आप पीछे होकर बैठिए। वैसे आपको बता दूं हमारे मेडिकल पार्टनर मां कलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके उपचार के लिए बिल्कुल तैयार है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दर्द है तो आप जा सकते हैं बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ। मां कलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की टीम उपलब्ध है। और दर्शकों में जबरदस्त रोमांच, कवाली के स्टेडियम में आज लगभग 2 लाख दर्शक मौजूद। सुबोध का जर्सी नंबर 19 है, यह है सुबोध। तो पहले हाफ का खेल यहाँ पर प्रगति पर 1-0 की बढ़त। स्कोर करने वाले खिलाड़ी कच्छप स्थानीय खिलाड़ी है रांची के, एक एक थी सीधे गोलकीपर के पास गई है लेंडा ब्रदर्स के गोलकीपर। चतुराई के साथ इस पीछे पे दाहिने क्षेत्र से, और ये लंबा क्रॉस निकाला है बॉक्स के अंदर डालने का प्रयास, वहां से क्लियरेंस आता हुआ। तीन गरबा एफसी की टीम इस बढ़त को बरकरार रखने का पूरा प्रयास करेगी। माइकी इस पीछे पे गलत पास कर बैठे, बीच बचाव में आए हैं खिलाड़ी लिंडा ब्रदर्स के। अपनी टीम की कैप्टन को पास दिया इन्होंने स्पैनिश को, स्पैनिश अभी भी बॉल पोजीशन को रखते हुए और एक खूबसूरत पास निकालती है अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास है। एशियन में प्रदीप मौजूद है, मुश्किल हो सकता था विशाल की जादुई गोलकीपिंग के बदौलत अभी भी लीड को बरकरार रखा है तीन गरबा एफसी ने। प्रणीत का एक सुंदर क्रॉस, ऑलरेडी कमाल कर चुके हैं, कमाल अपना दिखा चुके हैं। अब ये देखना होगा कि टीम की कैप्टन जो कि इंडियन टीम के प्लेयर भी हैं, सुबोध के द्वारा अभी तक कोई मैदानी गोल देखने को मिला नहीं है, क्या ये आज मौका है, क्या ये स्टेज है? सुबोध को बिल्कुल ये स्टेज आज सूट करता है, कमाल के खिलाड़ी हैं। क्षेत्र से जैसे में 15 एक हल्का सा पास दीपक के लिए जिन्होंने मैच में पहला गोल किया था। अभी भी खतरा चला रही है उस क्षेत्र में, मिकी थोड़ा बहुत संघर्ष टकराव देखने को मिला गेंद को लेने के लिए दोनों ही खिलाड़ी। 30 मिनट का मैच हो रहा है भाई, अभी डांग की विसिल आई थी, अभी तक 19 मिनट का मैच हो चुका है। प्रणीत लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, गौर को लोर को जीप को
ये नारा है आज मुझे लगता है कोलकाता से चलकर आई हुई टीम लिंडा ब्रदर्स के लिए। मिकी स्पैनिश के लिए स्पैनिश इनके साथ अभी तक ड्रिबलिंग इनकी कमाल की देखने को मिली है, कुछ अच्छे पास भी बनाए इन्होंने, लेकिन अभी तक कोई गोल इस टूर्नामेंट में आया नहीं है स्पैनिश का भी। ये भी कमाल की खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है। आकाश के लिए फास्ट स्टॉप का मैच चल रहा है, विक्रम किसको नहीं है, प्रणीत अच्छा रिसीव, अच्छा ब्लॉक किया गया, विकी रिसीव के बाद ये काफी तेजी के साथ रॉकेट के अंदाज से ये शॉट, हालांकि गेंद गोल पोस्ट के अंदर गई है भाई। फाइनल का मैच है और आप देख सकते हैं कि आज गोलकीपिंग में भी बदलाव किया गया है, आज लक्ष्मण को मैदान के अंदर मौका मिला है टीम घर वापसी के लिए, जो कि पिछले दो मैचेस में मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड लेके जा रहे हैं। आज मैदान में आप रहिए, फिलहाल किस प्रकार का दिन रहता है आज लक्ष्मण के लिए ये पता पाना बहुत मुश्किल, अभी तक अच्छी गोलकीपिंग रही है। अच्छा रिसीव यहाँ पे शशि के द्वारा और अपनी ही टीम के खिलाड़ी स्पैनिश बाएं क्षेत्र से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए गेंद को रिसीव करने के लिए बाबूलाल उनके सामने है, तनवीर को इन्होंने बढ़ा दिया है, तनवीर ने एक समांतर पास और ये बहुत दूर से लंबा शॉट और यहां पे शॉट लगाने का मौका था स्पैनिश, लेकिन अच्छा ब्लॉक किया गया। बॉल पोजिशन अभी भी सुमित जर्सी नंबर 25 कमाल का मैच आप देख रहे हैं, ये फाइनल का मैच मुझे लगता है कि आज जब मैच शुरू हुआ था उससे पहले लिंडा ब्रदर्स के समर्थन यहां पे ज्यादा करते हुए दर्शक थे, लेकिन जैसे ही मैच में गोल हुआ तीन गरबा एफसी के चाहने वाले ज्यादा हो गए हैं। फिलहाल मुश्किल स्थिति में ही आप अपने शहीद का साथ दीजिए, तभी जाके अपनापन लगता है, अपनेपन 11 नंबर की जर्सी में मिलेगा मिलेगा सबा 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 आजा 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 मोनू आराम से आराम से सुमित अपनी टीम की खिलाड़ी शशि के लिए सुबोध बहुत तेजी के साथ यहाँ पे हमने डांग की विसिल आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे गलत तरीका, हालांकि इस मैच में ऑलरेडी एक येलो कार्ड निकाल चुके हैं अमृत डांग, और वो सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ इस प्रकार से कि अमृत डांग को पसंद नहीं आया, हालांकि हमारे दर्शकों को काफी पसंद आया होगा जो तीन घर वापसी की चाहने वाले हैं यहाँ पे थे। सुबोध लंबा शॉट दिया है, शिप में मौजूद है सुमीर, लेकिन रिसीव नहीं कर पाए। क्लब कबाली के द्वारा ये आयोजन आप देख रहे हैं, नाचने दो नाचने दो, और क्या कमाल का टूर्नामेंट था। स्पैनिश बिल्कुल गोल पोस्ट के नजदीक यहाँ पे थोड़ी बहुत कला उन्हें रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीमल लंबा शॉट निकाला, उस शिप में मौजूद है खिलाड़ी सुबोध, शंभू माफ कीजिएगा, तुम्हीं करने का मौका इस बीच बेकी। फिलहाल ये मैच का पहला हाफ आप देख रहे हैं और जब तक मैच समाप्त नहीं हो जाता है निश्चित रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी तक एक गोल जो कि मैदान में और मैच के शुरुआती क्षण में
ठीक है। साउंड ऑपरेटर आप जहां भी हैं आप अपने सिस्टम के पास आएंगे, साउंड को ऑपरेट करने वाले जो भी हैं आप अपने सिस्टम के पास आएंगे। बोलो जाएगा प्रणीत गेंद के साथ, अच्छा सुंदर क्रॉस वहां पे रोकने के लिए बाबूलाल मौजूद है, बाबूलाल का प्रयास था और इस बीच यहाँ पे दीपक अपने ही खिलाड़ी की ओर पास किया था, बैक पास किया था, थोड़ा बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ अभी तक, और वहीं अटैकिंग गेम खेल रही है लिंडा ब्रदर्स। रौनक कैची साउंड कम करेगा, अरे थोड़ा बोले ना कमेंट्री, थोड़ा साउंड कम कर रहे, नहीं तो ज्यादा मत बोले, इसको नाचे लो। बहुत तेजी के साथ ये शॉट देखिए बाबूलाल का, अभी भी खतरा टला नहीं है, गोल कर दिया है और दर्शक यहाँ पे छोटे पे विवश है, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे लिंडा ब्रदर्स के सेलिब्रेशन के लिए, लिंडा ब्रदर्स की खुशी में झूमते। कबाली का ये मैदान है और दर्शकों की शोरगुल आप सुन सकते हैं, और जैसे कि आपने सुना ही होगा कि विपिन जी आज ये घोषणा कर चुके हैं कि लगभग 2 लाख दर्शक आज पहुंचे हुए हैं आज यहाँ पे। साउंड ऑपरेटर आप कहाँ हैं? सब मैच देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप भी कहीं छुपे हुए हैं, मैच देख रहे हैं आप। रिकी के एक शानदार गोल का जवाब नहीं था लक्ष्मण के पास, मैंने कहा था कि लिंडा ब्रदर्स इतनी आसानी से इस टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं होने वाली है, फिलहाल इस मैच में वापस आ गई है। और मैं अब हमारे दर्शकों से ये सुनना चाहूंगा कि अब आप कितने इजाफा हुए हैं लिंडा ब्रदर्स के समर्थन, आप कहां कहां हैं? पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं, मुझे लगता है कि अब खिलाड़ियों को भी और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल तीन गरबा एफसी अपने शुरुआती पहले गोल के लीड को गवा चुकी है। कौन है? कौन है? कवाली गांव की कुछ बच्चियों के द्वारा परफॉर्मेंस, जोसेफ जोसेफ आगे बढ़ते हुए जर्सी नंबर 5 जो कि सब्स्टिट्यूट के रूप में आए हैं, और आपको बता दूं कि सुशील जो कि TFA के खिलाड़ी हैं और चर्चिल ब्रदर्स के भी खिलाड़ी रह चुके हैं, तो बड़ा नाम है इस बीच यहाँ पे, काफी दूर से शॉट है, फिलहाल क्या कमाल का अटैक यहाँ पे, एक मूवमेंट को शिफ्ट कर दिया है लिंडा ब्रदर्स ने, मैच पे गोल करके इनके मनोबल में काफी ज्यादा इजाफा होता हुआ, ये सुंदर क्रॉस है, हेड करने का प्रयास वहां पे, लेकिन कोई खिलाड़ी थे नहीं लिंडा ब्रदर्स के, लेकिन अभी भी बॉल पोजीशन के साथ ये काफी दूर से शॉट है, लक्ष्मण के हाथों में गेंद है।
मिनट बचा है फर्स्ट हाफ का मैच खत्म होने में, दोनों टीम एक गोल की बराबरी पे खेल रहे हैं। लिंडा ब्रदर्स की ओर से शायद सुनील लकड़ा गोल और यहां रेफरी के विशेल के साथ ही मध्यांतर। टिनगढ़वा के एफसी से दीपक कच्चप गोल किया है। और जैसा कि विश्वजीत ने कहा है कि बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन श्री जलेश्वर महतो जी आपका। और हमारे इस मंच पर उपस्थित है एंथोनी मॉरिश लकड़ा जी, निवेदन होगा कि हमारे सचिव और साथ में संरक्षक आप दोनों ही सामूहिक रूप से एंथोनी मॉरिश लकड़ा जी का स्वागत अभिनंदन करें विधिवत तरीके से। ये अंग वस्त्र नाइन बुलेट क्लब कवाली की ओर से और साथ ही साथ सोहराज के शुभ अवसर पर फुटबॉल टूर्नामेंट की ये स्मृति चिन्ह और साथ ही साथ हमारे इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नहीं है भाई, आप जिसको खोज रहे हैं वो नहीं है। रशियन नहीं है, अफ्रीकन है। हेलो, बासठ लोग नहीं आए आज। हेलो, पहले हाफ में दोनों टीमें एक ही गोल के साथ बराबरी पे मैच के पहले हाफ को समाप्त किया था। दीपक का गोल, उसके बाद विकी का गोल आया था और अब सेकंड हाफ का रोमांच बना हुआ है। आखिरी कुछ पल सोहराज छत्रा फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के विजेता का दर्शन बस कुछ ही समय में। लेंडा ब्रदर्स डोया ढोली के सामने तीन गरबा एफसी के बीच ये मैच आप देख रहे हैं, बराबरी का ये मैच चल रहा है। और जब से गोल आया है तब से लिंडा ब्रदर्स की टीम थोड़ी बहुत स्लो हुई है। मुझे लगता है कि जब वो पीछे थे पूरा दमखम लगाया था, लेकिन देखा कि जब वो मैदान में और इस मैच में वापस आ गए हैं तब इन्होंने थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस मुकाबले में तीन गरबा एफसी के खिलाफ सामने आए हैं। फिलहाल बचे हुए समय में दोनों ही टीम चाहेगी कि मैदानी गोल करें। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में और कितने गोल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अब तक दो गोल और दो कमाल के गोल देखने को मिले हैं। सारू हेमराम खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मैच को खेल रहे हैं। वे भी चोटेलाल का एंट्री हुआ है। एक अच्छा मौका यहाँ पे तीन गरबा एफसी के लिए कॉर्नर के रूप में। शॉट ढूंढा है रौनक के हाथों से, गेंद निकल तो गई थी लेकिन दूसरे प्रयास में मौका नहीं दिया तीन गरबा एफसी के खिलाड़ियों को। और अब हमारे इस दर्शक दीर्घा में उपस्थित है युवा चेहरा कर्मठ जुझारू श्री कुणाल गोप जी, आदर्श ग्राम बनाम के हैं। निवेदन हो कि आप हमारे मंच पर आ जाएं। श्री कुणाल गोप जी से निवेदन कि आप हमारे मंच पर आ जाएं। आपको ये भी बता दूं कि
हमारे कवारी गांव की जो माननीय सम्मानित पाहन जी हैं, ये सीआरपीएफ की तरफ से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जी हाँ, सीआरपीएफ का भी टीम बनता है फुटबॉल में, और उस टीम में गोंद्रा पाहन जी भी अपना दमखम दिखा चुके हैं। जो सब अभी डांग की कोई फसल नहीं है, और जोसेफ को बिल्कुल समझ में नहीं आया, यहाँ पे रेफरी से कोई उम्मीद चाहते थे, कोई सहायता चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या कमाल का मैच यहाँ पे जारी है, एक शानदार मुकाबला चलता हुआ। और आपको ये भी बता दूं कि इस मैच के बाद पारितोषिक वितरण के बाद हौजी का खेल होगा, और हौजी के टिकट्स लेकर आप मुझे लगता है जरूर पहुंचे होंगे। 1100 रुपए का टिकट लिया गया था और 2,00,000 रुपए का फर्स्ट हाउस पुल रखा गया है। देखते हैं कौन सा प्लेयर को सीरीज मिलेगा, जो फाइनल जीतेगा वही उसे कोई सीरीज मिलेगा। वायलट जो प्लेयर को जो टीम फाइनल जीतेगा उसी को सीरीज मिलेगा शायद। बालिकाओं के मैच को जीत लिया है भाई कोलकाता की टीम ने, और 31,000 पे कब्जा किया, चैंपियन बने। निकी शंभू के लिए टैकल, यहां पे एक अच्छा टैकल माना था दोनों ही खिलाड़ी के बीच, जब आप बॉल को लेने के प्रयास में टैकल करते हैं। प्रदीप स्पैनिश लंबा पास निकाला, समांतर पास है, शंभू के द्वारा अच्छा रिसीव, शॉट सुंदर लेकिन बॉल पोजीशन को गवाते हुए। लिंडा ब्रदर्स की टीम लगातार यहां पे काउंटर अटैक करती हुई, बचे हुए कुछ समय में यहां पे गोल की तलाश है दोनों ही टीमों को, लेकिन पहले हाफ के मैच के बाद इस दूसरे हाफ में अगर किसी टीम ने ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं वो है लिंडा ब्रदर्स। 24 मिनट का एक दबदबा सा है, भले ही इस मैच में शुरुआत इतना अच्छा नहीं, विमल कुमार है, लेकिन फिनिश करना चाहेंगे अपने मन मुताबिक। इनामी राशि की अगर बात करें तो 3,00,000 रुपए विजेता टीम के लिए, उप विजेता टीम के लिए 2,00,000 रुपए, साथ ही साथ तीसरे चौथे स्थान पर पहुंचने वाली टीमों को भी रिपोर्ट करना है अगले कुछ ही समय में पारितोषिक वितरण समारोह में। रिकी ऑलरेडी इस मुकाबले में पहला गोल कर चुके हैं, अच्छा क्रॉस, वहां पे लेने के लिए कोई मौजूद नहीं थे। जमशेदपुर का फिरतौस नहीं है भाई, क्या कमाल का मैच अभी तक देखने को मिला है। बहुत बड़ा स्टेज यहाँ पे अभी आपको साबित करने के लिए, लंबा पास लेकिन बिल्कुल एक अच्छा पास यहाँ पे। इस बीच यहाँ पे अभी डांग की विसिल आ गई है, प्रणीत स्पैनिश के लिए मिडफील्ड में खिलाड़ी कमाल के रहे हैं आज, लगातार अच्छे मौके बनाए हैं, अच्छे पासेस निकाले हैं रिकी के लिए, और रिकी यहां पे 4 खिलाड़ी वहां पे थे, वहां देने की गलती कर बैठे, फिलहाल पीछे से इस गेंद को लेना चाहते थे दीपक और रमनी डांग के बिल्कुल नजर के सामने पाए गए। विसिल आई है, मौका मिला है,
लिंडा ब्रदर्स के लिए जरूर भाई जरूर मौका है। बरना मुंडा का कोई भी प्लेयर नहीं है आज। मैच का रोमांच बहुत ज्यादा है हमारे साथ ही कमेंटेटर विपिन जी से भी जुड़े हैं। और विपिन जी आपको कैसा लग रहा है अभी तक के खेल में, किस टीम का पलड़ा भारी है? मैच तो बराबर विश्वजीत, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अचानक एफसी तीन घरवा की टीम पर अचानक ये आक्रमण क्यों लगातार होते जा रहे हैं? लगातार यहाँ पे आक्रमण इसीलिए क्योंकि बचे हुए समय में एफसी तीन घरबा के खास तौर पे दीपक जो कि बिल्कुल डिफेंस में आ चुके हैं, और जब से दीपक डिफेंस में आए हैं तब से मुझे लगता है कि ज्यादा काउंटर अटैक किया जा रहा है लिंडा ब्रदर्स की ओर से। थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच के साथ यहाँ पे सुंदर क्रॉस निकाला है, रिकी का शॉट फिनिश नहीं कर पाए। क्या कमाल का मौका बनाया था, थैंक यू ब्रो। एक सुंदर जहां भी हैं आप अपने सिस्टम के पास आएंगे। ये रिफ्लेक्शन और सीधे लक्ष्मण के पास। आपको बता दूं कि हमारे मांदर और लाल के प्लेयर आया भाई बजाने वाले आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप मैच देख रहे हैं, आपका काम है बजाना, लेकिन आप कहां रहे हैं? आप अपने जतरा टाण पे चले जाएं, वहां आपकी प्रतीक्षा हो रही है। अखड़ा में चले जाएं, अखड़ा में चले जाएं आप जो भी बजाने के लिए आए हैं। रिकी का शॉट यहां पे, जो सबका मेहनत, जो सबका जोश। ये भाई बहुत मुर्मू और लगातार इस मैच को अगर याद किया जाएगा तो इंजरी के लिए भी याद किया जाएगा, बल्कि एक नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों को इस मुकाबले में चोट लगी है। लेकिन मां कलावती हॉस्पिटल कि हमारे मेडिकल कर्मी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। फिलहाल स्पैनिश समय का ध्यान इनको है, देखते हैं कौन सी टीम जीतेगा और स्कूटी कौन सी टीम ले करके जाएगा। इसके बाद अभी पेनल्टी है, लास्ट मिनट का मैच चल रहा है। कृपया ध्यान देंगे, हमारे दर्शक भाइयों में से एक है अमित त्रिकेशी जिनका पर्स खो गया है। शॉट लगाया था, हेलो तीन गरबा एफसी ने क्रॉस बार को टकराती हुई गेंद बाहर की ओर गई है। तो तीन गरबा एफसी लगातार 440 बोल की झटके दे रही है। भले ही लिंडा ब्रदर्स का अटैक ज्यादा है, लेकिन कभी कभार तीन गरबा एफसी भी मौके पे चौका लगा सकती है। लेकिन अभी भी बॉल पोजिशन, फिलहाल गेंद तो गई है बाहर। मैच के और इसी के साथ अमित डांग की ये फाइनल विसल आ चुकी है। और बिपिन जी ये फाइनल था और एक एक गोल देखने को मिला पूरे मैच में। अब टाई ब्रेक।